मैंने भी यूट्यूब पे ऐसे ही किया था, बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें करते गए, लोग बोलते गए करते गए, क्या क्या नहीं किया, बट मेरा था कि मैं लगातार वीडियो डालती जा रही थी, मेहनत करती जा रही थी, अपना होती जा रही थी। तो एट दिन देखो माशाल्लाह से मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन से क्लास में हो? तो मैं ग्रेजुएशन में हूँ, मेरा ऑनर्स जो है हिस्ट्री ऑनर्स है और मैं सेमेस्टर 1 में हूँ। बहुत लोगों को पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। फलक ने लिखा है यूट्यूब कैसे बनाएं, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो फलक, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगी। ये सवाल सिर्फ आपने नहीं, बहुत लोगों ने पूछा मुझसे, तो जल्दी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट है जयप्रकाश, इसने लिखा है आपका मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो इतना बदमाश है ये, यही है, तुम ही हो बेस्ट फ्रेंड। वैसे तो सच बोलूँ तो मैं ज़्यादा मेरे मेल फ्रेंड्स हैं नहीं, बट जो है सारे ही मेरे बेस्टीज हैं देखा जाए तो। बट जैसे मेरी दोस्ती 5 सालों से है और कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी, मतलब कुछ पूछना होता था, कुछ भी करना होता तो यही मेरी हेल्प करता था। और बहुत लोगों को पता भी होगा जय के बारे में, मैंने एक दो बार दिखाया है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। वैसे मैं अनीश से भी बहुत क्लोज हूँ, मेरा कज़न है, उससे भी मेरी बहुत अच्छी बात होती है मतलब। बट पहला जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था मेल में वो जय था, अभी भी है, बुरा मत मानना, पता चला मैसेज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद नौशाद का, उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हो? तो मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में जमशेदपुर एक सिटी है, वहाँ से मैं हूँ। और जमशेदपुर में भी एक है धतकड़ी, मैं धतकड़ी में रहती हूँ जमशेदपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएफ फेस रिवील, तो रिवील जब करना होगा तभी आप लोगों को रिवील होगा, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा नहीं 2-3 साल वेट कीजिए, फेस रिवील भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफरीन का, वाकई समरीन आप अच्छा कर रही हो लेकिन थोड़ा अपने दीन का भी ख्याल करें, अल्लाह खैर करे। तो मैं अपने दीन का ख्याल करती हूँ, जाहिर सी बात है, अगर आप मेरे साथ 24/7 नहीं रहती हो आफरीन, तो आपको कैसे पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी कि कैमरे की उस पार की लाइफ बहुत अलग होती है और इस पार की बहुत अलग होती है, तो दोनों ही मैं फॉलो करती हूँ, बस इतना ही बोलूँगी। आपका जवाब नमाज पढ़ते बनाएगी वही ना, मतलब कैसे, मेरे को नहीं, मुझे नहीं पसंद ये चीज़ कि मैं खाने जा रही हूँ, गाइज मैं यहाँ जा रही हूँ, गाइज मैं ये कर रही हूँ, गाइज मैं वो कर रही हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान शरीफ दिखा रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई वीडियो में कुरान शरीफ दिखाई करे, मतलब मुझे नहीं पता, नहीं पसंद मुझे आता है ये चीज़, क्योंकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन पर रखती हूँ। मान लो कुरान शरीफ वाला क्लिप भी है मेरी वीडियो में, मैं सोई हूँ बाई चांस मेरे फ़ोन पर पैर लग गया है मेरा, तो उसमें कुरान शरीफ रिकॉर्डेड है, मुझे नहीं पसंद आता ये चीज़। और देखा जाए तो मैंने बहुत डीप बात बोली है, तो मैं तो यही बोलूँ कि मुझे नहीं पसंद आता ये चीज़, इसलिए मैं शायद कभी ना दिखाऊँ अपनी वीडियो में कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। हाँ मैं कभी बोल सकती हूँ कि हाँ अभी मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ गाइज़, या फिर मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू बनाने के लिए, बट मैं कभी दिखाऊँगी नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। या फिर होता है ना कि बहुत लोग नमाज़ पढ़ते हुए शूट करते हैं वीडियो, तो मुझे पता नहीं पसंद है मुझे ये चीज़, नहीं शो ऑफ नहीं, बहुत लोग अपने पसंद से करते हैं, उनका भी करना गलत नहीं है, बट मुझे ये चीज़ पर्सनली नहीं पसंद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मान अंसारी ने कहा है बहन मैं आपकी हेटर्स नहीं हूँ, बट आप हिजाब किया करो और नॉन मुस्लिम का फेस्टिवल सेलिब्रेट ना किया करो, वैसे मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। तो उस्मान मैं यही बोलूँगी कि नॉन मुस्लिम का सारा सेलिब्रेट नहीं करो, ये आप गलत बोल रही हो, क्योंकि मैं वहाँ पर पूजा करने नहीं गई थी। और जाहिर सी बात है ईद बकरीद में मेरे सारे दोस्त मेरे घर आते हैं, ईद में तो आते हैं, इवन बकरीद में भी वो लोग आते हैं मेरे घर, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वर्षा प्रिया ये सारे लोग आते हैं और बहुत अच्छे से ईद मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं उनके फेस्टिवल में क्यों ना जाऊँ, मैं जा सकती हूँ और मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है ना कि मुझे सिर्फ मुस्लिम लोग देख रहे हैं, और अगर देखते नहीं सिर्फ मुस्लिम देखते तो भी मैं ऐसा करती, बट मुझे सारे धर्म के लोग देख रहे हैं और मुझे है कि मैं सब चीज़ को मानूं। ये नहीं है कि मैं, देखो इस्लाम में ये मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, मैं ये भी जानती हूँ, और इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या चीज़ है मैं ये भी जानती हूँ, बट मुझे पता है कि मैंने कोई पूजा नहीं की ना कुछ किया, बस वो लोग का कोई भी, जैसे मान लो कोई भी उनका फेस्टिवल है, कोई भी चीज़ आ रही है उन लोगों की, कोई भी त्यौहार है उन लोगों का, उन लोगों ने बहुत प्यार से इन्वाइट किया कि आना, हम लोग गए शामिल हुए, थोड़े बहुत पिक्चर क्लिक किए हम लोगों ने, थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाना पीना खाया, घूमा फिरा, फिर हम लोग आ गए, बस इतना ही होता है हमारा। तो उसमें आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा का, सिस मैं आपको इनवाइट करूँगी तो आप आओगे क्या? पता नहीं, शायद आपने कहा है कि आपकी शादी में, तो ज़रूर अगर यहाँ पर आपकी शादी हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी, आप इन्वाइट करोगे तो। हुसैन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे इसने क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन है आपके घर में कौन कौन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप स्टडी में क्या करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने में क्या पसंद है, नेक्स्ट है आपकी सिस की शादी कौन से सिटी में हुई है, मतलब जोयापी की, नेक्स्ट है आपके जीजू क्या जॉब करते हैं। मैं पहले बता देती हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक बड़ी बहन है, मैं हूँ और मेरी अम्मी है, बस हम लोग चार लोग हैं और मेरे पापा को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं। बहुत लोग अभी भी पूछते हैं, तो मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, उनको गए हुए 4 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4.5 साल हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा है कि कौन सी स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन में हूँ, सेमेस्टर 1 में हूँ और मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। खाने में क्या पसंद है, तो खाने में मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, सच बता रही, पिज़्ज़ा और बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट है आपकी सिस की शादी कौन सी सिटी में हुई है, तो हमारे सिस की मेरी जो सिस्टर है उनकी शादी यहीं जमशेदपुर में ही हुई है। जैसे होता है ना कि यहाँ धतकीडी है, फिर मानगो होता है, फिर बहुत हमारे लाइन है सांची है बिष्टुपुर है, तो उनकी शादी मानगो में हुई है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उनके हस्बैंड क्या जॉब करते, तो वो एक प्रोफेसर है, वो एक प्रोफेसर और किस तरह के है, क्या करते हैं, अच्छे से डिटेल में वो आपको खुद बताएंगी, बट मैंने बता दिया कि वो एक प्रोफेसर है। जासमीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जासमीन का, उन्होंने लिखा आपकी हेयर, आपकी आंखें, फेस कट सब परफेक्ट है, थैंक यू सो मच जासमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूबिया सबा का, उन्होंने लिखा है एलोवेरा की प्लांट को मैं घर में लगाई थी बट वो ड्राई हो रहा है, प्लीज़ कोई टिप्स बताओ और कब तक टाइम लगेगा उसे ग्रोथ होने, मतलब उसे अच्छा होने में। तो मेरी अम्मी कही है, मतलब उसका है, आपको क्या करना है, आपको अपने एलोवेरा के जो प्लांट है उसे आपको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है, धूप में रखने से वो सूख जाता है, उसे धूप में नहीं रखना है आपको, आपको उसे छांव में रखना है तो वो नहीं सूखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ही किया है कि कर्ली हेयर है, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो कर्ली हेयर के लिए मैं बोलूँगी कि प्याज का रस आप लगाइए अपने बालों पर, बहुत अच्छा होता है बाल को स्ट्रेट करने के लिए, और डैंड्रफ के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, आप कुछ थोड़ा सा मतलब आधा नींबू उसमें ऐड करके, मतलब आधा नींबू का जो जूस होता है ना उसे आप उसको मिक्स कर देना, दिन लगाना। लिप एंड चीक टिंट का कलर जो है लिंक में बताने के लिए और लिंक देने के लिए, उसका कलर बताने लिंक देने, तो लिंक मैं बहुत सारी वीडियो में दिया है, इस वीडियो में भी दे दूंगी, आप देख लेना। और इन्होंने लिखा है ईद मिलादुन नबी ड्रेस की फैब्रिक क्या थी, ईद मिलादुन ड्रेस की जो फैब्रिक थी ना वो बिल्कुल क्या गार्डन कपड़ा बोल सकते हैं नम्मी, हाँ वो ग्रीन वाला अस्तर वाला कपड़ा जो था, वो जो फैब्रिक था ना वो अस्तर वाला फैब्रिक था, गार्डन कपड़ा था, वो बहुत ट्रांसपेरेंट था, बहुत हल्का था, बहुत ज़्यादा, तो आप ले सकते हो अस्तर टाइप वाले कपड़े जो थोड़े बहुत शाइनिंग सी होती है, गार्डन ड्रेस बोल सकते हैं आप उसे, गार्डन फैब्रिक शायद। और इन्होंने लिखा पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से बहुत परेशान हूँ, उस पर एक अलग से वीडियो कब आएगा, तो उस पर एक वीडियो मैंने बहुत पहले दे दिया है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं रिलेटेड वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग ड्रीम्स का, व्हाट्स योर हाइट, तो मेरी हाइट 5'4" है, मतलब 5'4" से थोड़ी सी कम है, 5'3" पॉइंट कुछ है, तो 5'4" में ही गिनती आती है। क्यों आपको मेरे रिश्ता लगाना है, नहीं मेरी हाइट पूछ रहे हो, तो 5'4" है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमना का, इन्होंने लिखा है आपका टोटल कितना रिश्ता आ चुका है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं जब स्कूल में थी, जब मैं 12 साल की थी, 12 नहीं 13 साल की होंगी, जब मैं 13 साल की थी तब से मेरे रिश्ते आ रहे हैं। Oh my God! Wow! Trust me guys, तब से रिश्ते आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, बहुत आ गए, मतलब इतने ज़्यादा आए कि मैंने कभी गिना नहीं देखा जाए तो, पर बहुत सारे रिश्ते आए हैं और माशाल्लाह अच्छे अच्छे घर से आए रिश्ते, बट अभी वक्त नहीं है इसलिए मेरी मम्मी अभी कुछ नहीं सोच रही है। और हमारे घर में मतलब रिश्ता लग करके मतलब नहीं रखा जाता है, जैसे कि इंगेजमेंट हो गई और 1-2 साल के बाद शादी होगी, ऐसा नहीं मतलब हमारे घर पे होता है, मतलब हमारे दादी घर में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि रिश्ता लगता है उसके बाद फिर कुछ महीनों में शादी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाद खान को, उन्होंने कहा यू आर द बेस्ट व्लॉगर इन यूट्यूब, प्लीज़ से माई नेम रमशा इस्लाम, तो मैंने तो आपका नाम ले लिया रमशा, आपने अपने भाई की आईडी से शायद मुझे मैसेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिली परवीन का, इन्होंने लिखा है मेरा नाम लो सनी, तो सनी मेरी एक दोस्त का भी नाम था, मतलब दोस्त का नाम नहीं था, उसका नाम समरीन था, हम लोग उसे सनी सनी बोलते थे ट्यूशन में, उसकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी अपनी सिस्टर फरीन आपकी की शादी कब होगी और आपकी शादी कब होगी, तो मेरी बहन की शादी 1.5 साल के अंदर हो जाएगी, मतलब 1-2 सालों में हो जाएगी मेरी बहन की शादी, और उसके बाद 3 साल के बाद मेरी शादी होगी, मतलब मेरी शादी में अभी 4 साल है, तो आप लोग 4 साल वेट करो,
तब तक इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब में मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिफ्जा का, इन्होंने लिखा प्लीज़ लखनऊ आओ कभी। तो मैं बहुत छोटे में लखनऊ आई हूँ, मैं और मेरी मम्मी, हम लोग जब अजमेर शरीफ जा रहे थे तब हम लोग लखनऊ गए थे, और कभी ऐसा प्लान बनेगा तो ज़रूर आऊँगी लखनऊ। लखनऊ बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा। मतलब उस वक्त ऐसा था कि इतने छोटी थी मैं कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था ना, एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था कि पिक्चर बहुत सारी लूँ, और जो छोटे वाले फ़ोन में थी वो पता नहीं कहाँ कहाँ हो गई। बट बहुत अच्छा, हम लोग लखनऊ के भूल भुलैया भी गए थे, बहुत खूबसूरत था। मतलब मेरी अम्मी डर रही थी, शाम का टाइम हो गया था और मेरी अम्मी बहुत डरती है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, अकेले घर पर भी नहीं रहने चाहती, इसलिए मैं जल्दी कॉलेज में नहीं जाती हूँ रेगुलर। मैंने अपने दोस्तों को भी कहा है, तो क्या है ना, मतलब मेरी अम्मी नहीं जा रही, और थोड़ा सा पटाखे वगैरह की आएंगी आवाज़, इग्नोर कीजिएगा। तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा मतलब डरती है, और वो डर से नहीं जा रही थी, बट मैं, मेरी आपी, हम लोग सब गए थे भूल भुलैया के अंदर, बहुत मज़ा आया था, मतलब बहुत अच्छा था उस टाइम। अगर मैं व्लॉग करती रहती तो क्या ही बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया का, आपके हेयर इतने लंबे कैसे हैं प्लीज़ बताइए, और ब्लैक ड्रेस पे मेकअप लुक कीजिए। तो मेरे हेयर इतने लंबे कैसे हैं अम्मी, बताइए प्लीज़ बताइए। तेल लगाइए अच्छे से, तेल लगाइए, ऑयलिंग कीजिए बालों पे। मैं तो करती नहीं हूँ, जबरदस्ती मुझे मार करके कराया जाता है। और नेचुरली भी होते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बट नेचुरली हमारे घर में सबके बाल लंबे हैं, मतलब सबके नहीं है पर बांध के रखो लंबा हो जाएगा। हाँ, बट मुझे मेरे अम्मी से मिले लंबे बाल देखा जाए तो, क्योंकि मेरी आपी के भी उतने लंबे नहीं है, मेरी आपी के बहुत पतले, मतलब पापा के बाल वगैरह पतले पतले से बाल है उसके, बट मेरे बाल बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह, मेरी अम्मी के बाल बहुत लंबे थे और अभी भी मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब इनकी एज के हिसाब से इनके बाल बहुत अच्छे हैं, और अभी पहले इनके सबसे लंबे थे मेरे घर पर, अब मेरे हो गया। वाओ नाचो। क्वेश्चन है जोया का, अलविदा का फैब्रिक कौन सा था, तो मैंने बता दिया गार्डन फैब्रिक था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया का, इन्होंने कहा है हेल्दी होने के टिप्स, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मैं नेक्स्ट ईयर देखी थी तुम्हारी रील जोया आपी की शादी में, एंड उस टाइम से अब तक फेवरेट इन्फ्लुएंसर हो मेरी विदाउट एनी ईगो, एंड जितने भी तारीफ करें कम है, लव यू एंड लॉट्स ऑफ लव। मेरी थोड़ी सी स्किन पर धूप की वजह से टैनिंग है, तो कौन सी सीरम यूज़ करूँ प्लीज़ बताओ, एंड योर सनस्क्रीन नेम एंड गोल्ड वेव फाउंडेशन का शेड क्या था वो बताओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सानिया, इतना मुझे मतलब प्यार करने के लिए। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपकी टैनिंग हुई है फेस पे, तो टैनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेसन लो, दही लो, और थोड़ा सा उसमें कस्तूरी हल्दी ऐड कर देना, और अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे लगाओ 10 मिनट के लिए, तो उससे टैनिंग चली जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताया है कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती है, तो मैं वाओ की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, आप भी वाओ की यूज़ कर सकते हो, बहुत लाइट वेट होती है इसलिए मैं वाओ की यूज़ करती हूँ, और मुझे सूट भी करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेव मार्स द गोल्ड वेव फाउंडेशन की शेड कौन सी है, तो मेरी शेड है 02, 03 भी आप लोग ले सकते हो, 03 भी मेरे फेस से जाती है, 02 क्या होता है ना, थोड़ा सा लाइट होता है बट थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सैयद इकरा का, उन्होंने लिखा आपको बॉयफ्रेंड का नाम जानती हूँ, प्लीज़ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएं जिससे हमें भी हेल्प हो एक लॉयल बंदा ढूंढने में, आई एम सो टायर्ड ऑफ रिलेशनशिप, सो टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद ग्रो। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉयल बंदे ऐसे नहीं होता है कि बस खोजो और मिल जाए, वो दिल से ही इंसान लॉयल हो पाता है और एक के लिए ही लॉयल हो पाता है। देखा जाए तो वाकई जाहिर सी बात है बहुत मतलब कम लोग मिलते हैं ऐसे लॉयल, बट हाँ ठीक है, जो है सही है, बस दुआ करिए आप लोग, जैसा हम लोगों ने सोचा है वैसे ही, आगे के कुछ प्लान हैं हम लोगों के, कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कुछ प्लान सोचा है मैंने, तो रिवील करूँगी आगे, वक्त आएगा तो रिवील होंगी सारी चीज़ें जैसे जैसे वक्त बीतेगा। फ़िलहाल अभी ठीक है, बहुत लोगों ने पूछा भी था कि वो कहाँ है, तो वो सऊदी में है अभी, उससे आने में वक्त है, मतलब 3 से 4 साल है। हेट कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे उससे रिलेटेड कि अब आप नहीं मिल रहे हो, अब आप घूमने नहीं जा रही हो, तो ऐसा नहीं है, वो है ही नहीं, तो मैं कहाँ से जाऊँगी घूमने, बाकी मैं अपना सोलो ट्रिप करूँगी अपने मम्मी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, साम्या ने मुझे लिखा है, इन्होंने लिखा है आपको, आपके बारे में लोग इतना बोलते हैं, अपने ब्लॉग्स में भी इन्होंने लोगों ने बहुत कुछ कहा है, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती हो, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो, और मतलब आप इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, इस तरह क्वेश्चन उन्होंने लिखा है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं चाहती थी पढ़ना, बट मैंने पढ़ लिया तो मैं बता देती हूँ।
मुझे सच बताओ, देखो यूट्यूब पे अगर आप आते हो ना गाइस, तो आपको अपने दिल को मजबूत करके आना है कि यहाँ पर दो तरह के लोग रहेंगे, एक अच्छे रहेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, एक बुरे कमेंट करेंगे। इतना बुरा कमेंट कर देंगे कि मतलब रोज हो गया आप, इस तरह का हो जाएगा ऐसा अगर कमज़ोर दिल के आप हो तो। बट मैंने अपने आप को इतना मतलब मजबूत कर लिया ना, पहले तो मैं थोड़ा सा कमज़ोर भी था, मतलब थोड़ा बचपना था मेरे अंदर, तो मैं बड़ा ये होती थी कि कोई मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, वो बोल कैसे सकती है, वो ऐसा कर कैसे सकती है। तो जाहिर सी बात है उसकी परवरिश ऐसी है, उसकी फितरत वैसी है, वो ऐसा ही बोलेगी। तो ये मैंने एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, तो जैसा जो बोलते हैं ठीक जैसा जो बोलते हैं वो ऐसे खुद होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं। और लोग अगर घटिया कुछ आपके बारे में बोल रहे हैं ना, बहुत ही घटिया, मतलब लेवल से भी गिरा हुआ लेवल का बात अगर करते हैं, तो वो समझ जाओ आप कि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो खुद अब वैसा चीज़ करे होंगे अपने लाइफ में, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं। तो बस इतना ही है, बाकी इतना ही बोलूँगी कि हमारे इस्लाम में एक ही चीज़ है कि अगर आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो या कुछ भी गलत बोल रहे हो उसके ऊपर, या कुछ भी गंदी बातें उसके बारे में बता रहे हो कि ऐसा करी वैसा करा किसी ने, ये इस टाइप की है उस टाइप की है, तो आपको कयामत के दिन अल्लाह को उस चीज़ को साबित करना होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी अभी भी मेरे हेटर्स को और जो लोग बोलते हैं मेरे बारे में अलग अलग से वीडियो बना करके, कि आपको एक वक्त पर बहुत अफसोस होगा इन सब चीज़ों का। तो ये सब बंद कर दीजिए, मैंने बंद कर दिया है, तो आप भी बंद कर दीजिए, अच्छा होगा, वरना करती रहिए और बर्बाद होती रहिए। मुझे कुछ नहीं है, मैं तो अच्छे के लिए बोल रही हूँ और मैं अच्छे ही चाहती हूँ सबका। मुझे है कि अच्छे से रहो भाई, खुद अच्छे से जीने दो, दूसरे को भी, खुद भी जियो अच्छे से। और पता नहीं किस चीज़ का डिस्प्रेशन है लोगों को, बट कोई नहीं, ठीक है, मैंने बहुत सब्र किया है। सब्र का अज़र जो होता है ना, वो इंसान को मिल जाता है, तो बस वही है सामिया कि सब्र का जो फल है वो मिलता चला जा रहा है और लोग मतलब डेस्परेट होते चले जा रहे हैं और मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ इन सब चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं कि ज़बान मेरे अंदर नहीं है। अगर मैं बोलने पे आ गई तो मैं उनसे घटिया शायद बोल सकती हूँ, उनसे भी ख़राब बोल सकती हूँ, बट मैं उस लेवल तक कभी नहीं गिरूँगी, क्योंकि कभी गिर ही नहीं सकती, मैं चाह के भी नहीं गिरूँगी। मुझे शुरू शुरू में थोड़ा गुस्सा भी हो जाती थी कि क्या बोल रहे हैं लोग, क्यों बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बट लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो बोलेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो अगर आप भी, मैं बोलूँगी अगर कोई भी न्यू यूट्यूबर है जो मेरी वीडियो देख रही है, मैं यही बोलूँगी लोग हज़ार तरह की बातें करेंगे, आप बस अपने फैमिली वाले की नज़र में अच्छे रहो, बाकी जिसे जैसा बोलना है जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि जो जैसा बोलते हैं वो खुद वो चीज़ करे हुए होते हैं, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जाहिर सी बात है, बस इतना समझ लो और इग्नोर करो। और सच बात बोलूँ तो गाइज़ मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ ना, अब इतना ज़्यादा, मतलब पहले मैं नेगेटिव कमेंट को लेके बैठ जाती थी कि अरे यार इसने ऐसा कैसा बोल दिया, ऐसा कैसा बोल दिया, बट इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे लाइफ में आ रहे, इतना समझाने वाले, इतने समझदार लोग मेरे आए लाइफ में, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पैम्पर किया और इतने अच्छे से समझाया है ना, इवन मेरी फैमिली को छोड़ करके और भी बहुत सारे लोग हैं, फैमिली तो हमेशा समझाती है, दोस्तों के बारे में मैं बता रही हूँ, उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना समझाया कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा हो गया ना कि अगर 100 कमेंट मेरे हेट आते हैं ना, तो एक मेरा जो पॉजिटिव कमेंट होता है ना, जो अच्छा कमेंट होता है, वो सारे 100 के ऊपर भारी पड़ जाता है मेरी नज़र में, ऐसा होता है। तो मैं उसको हमेशा नोटिस करती हूँ, मैं बाकी 100 को हमेशा इग्नोर कर देती हूँ, उसको लेकर के बैठती हूँ कि यार उन्होंने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा लिखा। तो बस ये बात है, और दिल से आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। और इस लुक का सेकंड लुक भी बहुत जल्दी आएगा, बाल वाल थोड़ा कर्ल करके मैं डालूंगी अच्छे से, अभी तो उतना ही हो पाया था, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया था। और साड़ी भी मैं थोड़ी दूसरी पहनूंगी, ये तो माही की साड़ी थी। वैसे आप लोग अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करिएगा। बस मेरी आज की इतनी थी वीडियो, मुझे पता है ये वीडियो पार्ट वन है, पार्ट टू में जाइए कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो गाइस बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ट्रिप से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ मुझे बताना तो बता सकते हो कमेंट में, क्योंकि जयपुर तो हम लोग जा रहे हैं, बट उदयपुर का मैं जाऊँ या ना जाऊँ ये सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे उदयपुर में कुछ इतना खास समझ में आ रहा नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि उदयपुर में कुछ ऐसा खास है अच्छा, तो आप लोग बता सकते हो। और एक सब्सक्राइबर थे मेरे, मैंने आज ही उनका कमेंट देखा था, उन्होंने लिखा है कि जब भी बनारस आओगी तब मुझसे मिलने ज़रूर आना। तो बनारस तो देखा जाए तो मेरा वहाँ कोई काम है नहीं, बनारस में बहुत सारी मंदिर ही है, बहुत सारे वैसे और भी बहुत जगह है वहाँ पर घूमने के। तो अगर बाई चांस मैं बनारस आई, वैसे मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं नवंबर में, उन्होंने मुझसे कहा था चलने को, बट मैं अपनी अम्मी के साथ जा रही हूँ, दिल्ली और जयपुर जा रही हूँ मैं। तो अगर बनारस कभी आऊँ तो पक्का आपसे मिलूंगी और आपसे कॉन्टैक्ट भी हाँ, तो मेरी अम्मी के रिलेटिव भी बहुत सारे हैं, तो अगर बनारस आई तो ज़रूर आपसे मिलूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं मेंशन कर दूंगी, फिर आपसे कॉन्टैक्ट मैं कर लूंगी ज़रूर। तो बनारस आऊँगी तो पक्का मिलूंगी। और मेरे हाथों की बिल्कुल, मैं वो जो मैंने लिपस्टिक से लगाया था, वो छूट रहा है,
रेड रेड सा हो गया, मुझे अभी अपने मेकअप को भी रिमूव करना है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से क्यू एन ए करूँगी, बट मुझे कल कुछ काम है इसलिए मैंने सोचा कि बहुत कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, तो फटाफट से क्यू एन ए कर ही देती हूँ, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मुझे पता है। तो बस यही बोलेंगे गाइस कि नेगेटिव पीपल्स को अपनी लाइफ से गेट आउट कर दो, निकाल दो धक्के मार के ऐसे ऐसे लोगों को जो आपको गार्ड फील कराते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उदास कर देते हैं, अपसेट कर देते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाओ। और पॉजिटिव पीपल जितने भी आपके लाइफ में अच्छे अच्छे लोग हैं, बस उनको पकड़ के चलो, चाहे वो एक दो ही क्यों ना हो। और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है, कुछ ही लोग हैं अच्छे अच्छे बट बहुत अच्छे। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे जितने भी मतलब दादी घर के जितने भी लोग हैं, वो जितने भी नानी घर के लोग हैं, सारे बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छे हैं। और मैं बिल्कुल फैमिली वाली बंदी हूँ, मुझे फैमिली से ही मुझे मतलब है। अगर मेरे फैमिली वाले मुझे गलत कह रहा है कि हाँ तुमने ये गलत किया, तो मैं मान लूँगी हाँ गलत किया, बाकी अगर कोई और बोल रहा है तो मुझे नहीं मतलब ये है, वो सब चीज़ों में मैं ध्यान नहीं देती हूँ, सच बता रही हूँ। और लाइफ में ऐसे इंसान को होना चाहिए, बस अपनी फैमिली को लेकर के चलो, बाकी जो बोलते हैं बोले, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे कभी। मैं तो कभी कभी ऐसा होता ना कि हेट कमेंट को भी बहुत अच्छे से पॉजिटिवली ले करके चलती हूँ, ऐसी हूँ मैं। तो बस इतनी बोलूँगी, आज का मेरा इतनी वीडियो था। और अगर आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन पूछने होंगे तो इस वीडियो में आप पूछ सकते हो, मैं क्यों इन्हें अपनी अम्मी के साथ भी लेकर के आ जाऊँ। तो बस इतनी लगी आज की वीडियो। बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि आप रिलेशनशिप में हो, तो यस आई एम इन रिलेशनशिप, मैं हूँ रिलेशनशिप में, और बहुत जल्दी रिवील करूँगी, जब सही वक्त आएगा तब रिवील करूँगी क्या है, कैसा है, क्या है नहीं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा, जितने भी मेरे न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो नए नए जिन लोगों ने अपना चैनल खोला है, बस इतनी बोलूँगी, लोगों का काम है कहना, आप कहने दो, आप अपना आगे बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, आपको उसका फल मिल जाएगा, बस इतनी बोलूँगी। और मेरा भी यही है, मेरे साथ जो स्टोरी है मैं यही बताऊँगी आप लोगों की, मेरे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी है और मैं पार हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। तो यही बोलूँगी आप लोगों को कि बस इग्नोर करो और थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत रखो, ताकि लोगों की ज़्यादा बातें से आपको हर्ट ना हो, बस ये बोलूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।